तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो रशियन वीज़ा के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है वो कैसे भरें। सबसे पहले आपको करना क्या है, उसकी वेबसाइट पे जाना है, उनकी जो रशियन इमिग्रेशन की तरफ से वेबसाइट दी हुई है जिसका नाम है visa.kdmid.ru। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया, आप चाहे तो वहाँ से डायरेक्ट क्लिक करके इस पेज को खोल सकते हैं। जैसे ही ये पेज खुलेगा तो आपके पास सामने दो ऑप्शन आ रहे हैं कि आपकी कंट्री क्या है और आप किस लैंग्वेज में इस फॉर्म को भरना प्रेफर करोगे। जैसे ही आप इस पे दोनों को ऑप्शन सेलेक्ट कर लोगे तो उसके बाद नीचे आके आपको एक मिलता है चेकबॉक्स जिसमें आप इनकी जो टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करके आप आगे बढ़ोगे। तो हमें न्यू एप्लीकेशन भरनी है तो हम न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे और आपके पास यहाँ पे नीचे ऑप्शन भी दिया हुआ कि अगर आपने कोई पहले एप्लीकेशन भरी हुई थी तो आप उसको जाके एडिट वगैरह भी कर सकते हो। तो हमें तो न्यू एप्लीकेशन बनी है तो हम न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। फिर यहाँ तो फिर जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे आपका फिर यहाँ पे पासवर्ड मांगता है, आप पासवर्ड भर सकते हो और उसको फिर कन्फर्म पासवर्ड करके फिर देन नीचे ही कैप्चा फिल करके उसको सबमिट कर दो। और फिर सबमिट करने के बाद ये वाला पेज खुलता है जिसमें आपका एक एप्लीकेशन जो नंबर है या एप्लीकेशन आईडी है ये जनरेट हो जाती है और इस एप्लीकेशन आईडी को आप कहीं पर लिख के रख लो या फिर इसकी फ़ोटो खींच लो। ये आगे हो सकता है कि आपको कुछ एडिट वगैरह करना पड़ जाए तो उसके लिए भी काम आ जाता है। हाँ, तो ये आपको पूरा का पूरा जो वीज़ा फॉर्म है 6 स्टेप्स में भरना है। तो सबसे पहले जो आता है वीज़ा डिटेल्स फर्स्ट स्टेप में, तो उसमें आपको नेशनैलिटी सेलेक्ट करके और ये कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन या आपकी कंडीशन पे, तो आप अपने अकॉर्डिंगली इनको भर लेना। तो जैसे मैंने नेशनैलिटी में अपना इंडिया डाला है और फिर ये एक USSR वाला क्वेश्चन था इसमें मैंने नो किया। फिर एक पर्पज़ ऑफ विजिट मांगा है टूरिज़्म, तो आप अपने अकॉर्डिंगली इनमें से चूज़ कर सकते हो, मल्टीपल ऑप्शन आए हुए हैं। और फिर यहाँ पे नीचे मांग रहा है आपकी कि आप नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ की, आपको मल्टीपल एंट्री वाला वीज़ा चाहिए कि सिंगल एंट्री वाला वीज़ा चाहिए। तो हमें तो सिंगल एंट्री वाला वीज़ा चाहिए था तो हमने सिंगल पे क्लिक किया। तो जो भी आप पे केस एप्लीकेबल होता है आप अपने अकॉर्डिंगली भर लेना इसको डिटेल्स। और फिर यहाँ पे नीचे मांग रहा है कि आपकी डेट ऑफ एंट्री और डेट ऑफ एग्जिट रशिया से क्या होने वाली है। और फिर नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो सेकंड ऑप्शन आता है आपकी पर्सनल डिटेल्स। पर्सनल डिटेल्स में आपका वही मांग रहा है कि आपके नेम्स, आपका जेंडर, आपकी डेट ऑफ बर्थ, ये याद रखना है कि जो सारी डिटेल्स भर रहे हो आपकी एज़ पर पासपोर्ट ही हो, उसमें ऊपर नीचे कुछ नहीं करना, बिल्कुल एग्जैक्ट जो पासपोर्ट में डिटेल्स दी हुई हैं वही आपको भरनी है। फिर नीचे मांग रहा है आपका ये प्लेस ऑफ बर्थ, तो ये पासपोर्ट में मेरे 2 टाइम्स दिल्ली लिखा हुआ था, मैंने 2 टाइम्स दिल्ली लिख के आगे चल दिए। और फिर अब नीचे आते हो कि आपकी इफ़ यू वर बॉर्न इन रशिया, ये सिलेक्ट नो करके जा रहे हैं हम आगे। तो ये डिटेल्स आप अपने अकॉर्डिंगली भर लेना और फिर नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करोगे फिर आपके पास आता है थर्ड ऑप्शन आपकी पासपोर्ट डिटेल्स। पासपोर्ट डिटेल्स में आप अपना पासपोर्ट नंबर डाल दोगे, डेट ऑफ इशू डाल दोगे और डेट ऑफ एक्सपायरी डाल के पासपोर्ट्स में से देख के आगे बढ़ेंगे। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो भी आता है आपकी विजिट डिटेल्स। अब आती है कि वाच ये विजिट डिटेल्स अभी मांग रहा है कि विच इंस्टीट्यूशन यू आर गोइंग टू विजिट, तो इसमें आपको अपना ट्रैवल कंपनी सेलेक्ट करना है। और फर्दर जो नीचे डिटेल्स मांग रहा है कि नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एड्रेस, रेफरेंस नंबर, ये आपको डिटेल्स आपके जो हमने इनविटेशन लेटर मंगाया था वो उसी के अंदर सारी की सारी डिटेल्स दी हुई थी। तो आप एक बार मेल खोल के देखोगे तो उसके अंदर सारी डिटेल्स अवेलेबल हैं। तो जैसे ही देख सकते हो कि जैसे नेम ऑफ कंपनी, एड्रेस और ये रेफरेंस नंबर, जब ये इनविटेशन लेटर आए थे तो उसके अंदर ये डिटेल मेंशन थी। तो अब यहाँ से करना कुछ नहीं है, सिर्फ कॉपी और पेस्ट ही करना है। अगर आपको नहीं पता है कि इनविटेशन लेटर कैसे मंगाना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है अपनी वीडियो की भी और जिस वेबसाइट से मैंने लिया था, तो आप जाके देख सकते हो कि फिर यहाँ पे ये सारी की सारी डिटेल्स डालने के बाद नीचे फिर मांग रहा है कि आपको प्लेस ऑफ विजिट, आप कौन कौन से प्लेसेस विजिट करने वाले हो। तो इसमें आपको करना क्या है कि मैंने जैसे हम तो मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग जा रहे हैं तो हमने वो दोनों डाल दिए थे, तो जैसे देख सकते हो। फिर उसके बाद आपको करना है नीचे आके कि डू यू हैव अ मेडिकल पॉलिसी, तो मैंने नो सेलेक्ट किया था, उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है एम्बेसी की तरफ से भी, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है लेने की। पर अगर हाँ अपने आपको पर्सनली सिक्योर करना चाहते हो तो आप ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर ऐसी कोई मैंडेटरी नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है उसकी। ठीक है, तो हैव यू एवर विजिटेड टू रशिया, तो हम तो अब तक गए नहीं है रशिया, तो हम पहली बार जा रहे हैं तो हम नो सेलेक्ट करेंगे। अगर आप पहले गए हुए तो यस सेलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हो। फिर आप आता है मिशलेनियस ऑप्शन। मिशलेनियस ऑप्शन में आपके डालते हैं परमानेंट एड्रेस। ये परमानेंट एड्रेस आपका फ़ोन नंबर और आपकी ईमेल एड्रेस, ये आप सारी की सारी डिटेल्स अपने पासपोर्ट से देख के ही एग्जैक्ट डालें। और फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस आप अपने पर्सनल डाल सकते हो। जैसे ही आप नीचे आओगे तो इसमें आपको ऑप्शन दे रहा है कि आप स्टूडेंट हो या कि एम्प्लॉई हो, अगर जैसे भी आपके केस एप्लीकेबल है आप डाल सकते हो। तो मैंने तो इसमें नो सेलेक्ट किया था और कोई दिक्कत भी नहीं हुई, तो मैं तो सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ तो मैंने इसमें कोई कुछ भी डिटेल्स नहीं भरी, तो तब भी मेरा काम चल गया था।
तो फिर नीचे आपके मांग रहा है कि ये दोनों ऑप्शन में आप सेलेक्ट करके चल सकते हो, आपके जो भी आपके केस एप्लीकेबल होता है। फिर आता है सिक्स स्टेप, इसमें आपको पूछ रहा है कि आप कौन सी लेना कहाँ पे आप अपना फॉर्म सबमिट करना चाहोगे। यहाँ पे जो आ रहे हैं टोटल नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं 4+4, यहाँ पे 8 ऑप्शंस आ रहे हैं। 8 ऑप्शन में जो शुरू के 4 ऑप्शंस हैं लाइक रशियन वीज़ा सेंटर, न्यू दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई, तो ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ये दिए गए हैं VFS सेंटर के। अगर आप VFS सेंटर से अप्लाई करोगे तो उसके लिए आपको 2000 एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। तो हमने तो डायरेक्ट अपॉइंटमेंट ली हुई थी रशियन एम्बेसी से, तो हमने फिर ये रशियन एम्बेसी वाला फेडरेशन इन इंडिया सेलेक्ट करके हमने फॉर्म सबमिट कर दिया था। तो उसके बाद आप अपने देख लेना कि आप कौन से डेट्स, अगर आपकी जो मैड्रस है, कैलकटा है, मुंबई है, जो उन सभी आपके केस एप्लीकेबल होता है, आप उनको सेलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हो। फिर जैसे ही आपको सेलेक्ट करके आगे बढ़ोगे तो आपका ये एक प्रीव्यू जनरेट हो जाएगा पूरी एप्लीकेशन का, जिसमें आप देख सकते हो कि आपने सारी की सारी डिटेल सही भरी हैं या नहीं, और एक बार उनको एक रीवेरीफाई कर लेना, क्रॉस चेक कर लेना। और फिर जैसे ही आपको सही लगे कि सारी चीज़ें सही हैं तो आप सेव एंड सबमिट पर जाकर क्लिक कर सकते हो। जैसे आप सेव एंड सबमिट पर क्लिक करोगे तो आपके पास ये ऑप्शन आता है प्रिंट करने के लिए। प्रिंट करने पे आप प्रिंट वाले पे क्लिक करो और इस पर आपकी अपनी PDF सेव करके रख लो। और जो ये एप्लीकेशन फॉर्म होता है ये 2 पेजेस का होता है, और तो एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ एम्बेसी जो ये एप्लीकेशन फॉर्म है ये 2 पेज का होता है, तो आपको ये सिंगल पेज पे निकलवाना है आगे पीछे, मतलब बैक टू बैक। तो ये चीज़ याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और फिर आपको यहाँ पे एक फोटोग्राफ भी लगानी है जिसकी मेजरमेंट थी 35x45 mm, और फोटो लगाने के बाद यहाँ नीचे एक बॉक्स दिया गया है, आप यहाँ पे सिग्नेचर करके आप अपने डेट भी डालने हैं जिस तारीख को आपने सिग्नेचर किए थे। तो ये था एप्लीकेशन फॉर्म भरने का प्रोसीजर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और आपकी यहाँ कोई कन्फ्यूजन हो, आपकी कोई क्वेरीज हो तो वीडियोज के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बता दो, या फिर आप मेरे को सीधा इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दी है और इवन स्क्रीन पे भी रिफ्लेक्ट कर रही होगी इंस्टाग्राम की। कोई भी कन्फ्यूजन है मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा इंस्टेंट नहीं, थोड़ा टाइम लेके भी कर सकता हूँ।